जय छात्र सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस के सीरीज में काफी महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए काफी अहम और काफी उपयोगी होती है। आप सब कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जरूरत लगे, जहाँ पे आपको लगे ये प्रश्न काफी जरूरी है, आप उन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी अपने साथ करते चलेगा, क्योंकि अब की बार एग्जिट हमारा का जो सपना है, उस सपना को पूरी करने के लिए ये सेशन आप सभी के लिए है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी जो पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो सभी साथी मित्र टेलीग्राम पर भी जुड़े रहे, पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। ये टॉप 150 प्रश्न है जो मॉडल पेपर की है, जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और हम चाहेंगे जहाँ से आपको लगता है कि काफ़ी सवाल आते हैं, बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उन पर उन तक अंत तक आप बने रहिएगा। तो सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या होगा। जी, अगर प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी ऋग्वेद। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर वी ऋग्वेद बताए हैं तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ फिर से आज के एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। क्या है अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो कंठोपनिषद, वृदारण उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, किन उपनिषद। तो सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब अपने सेशन में, अपने सीरीज में कॉपी कलम के साथ जरूर देंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी साथी मित्र ऐसे प्रश्नों को फटाफट अंदाज में जवाब दें और अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को शेयर भी जरूर करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। यहाँ पर अगर प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर होगा कंठोपनिषद, अर्थात सवाल का उत्तर होगा ए। आगे थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंडोक उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं चाहूंगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। यहाँ पर होगा अंगुत्तर निकाय में। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है तो आपका जवाब सही है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे। काफी यूनिक प्रश्न है और काफी आसान प्रश्नों की श्रेणी में आता है। सभी लोग, मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर दें कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो उन्होंने कहाँ पर दिया था। तो सभी साथी जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अगर हम इन प्रश्नों की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। कुशीनगर, वाराणसी, सारनाथ और गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर सी सारनाथ बताया तो आपके जवाब सही है। अगला है, मिलान करने वाला है। और मैं चाहूंगा ये काफी प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है, पाणी, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्लड़। कल्लड़ की क्या होगी? राजतरंगिणी, एकदम इंपॉर्टेंट। चाणक्य की क्या होगी? अर्थशास्त्र। पाणिनी की क्या होगी? अष्टाध्यायी। और वात्स्यायन की क्या होगी? कामसूत्र। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। उतने लोगों को, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा होगा हाँ यार, ये सेशन के साथ साथ जो सीरीज है ये भी काफी आसान और काफी सरल है। तो सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिए और इस वीडियो के अंत तक सभी लोग बने भी रहिएगा। तो जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सही आप लोग का, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा ए। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी साथी इस वीडियो को फेसबुक और जो भी साथी इसे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अकबर, शिवाजी, अशोक, रणजीत सिंह। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, अशोक। सभी लोगों ने जवाब सही दिया है। निम्न में से कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये बहुत बार पूछा गया है, यूं कहें तो इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज है। और मैंने भी आज आपके सेशन में इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बता लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो सभी लोग फटाफट बताइएगा प्रश्न नंबर 7, चोल, चेर, पल्लव, पांडे। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 7 का चोल, कई बार हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर एकदम रट जाना चाहिए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया? अलाउद्दीन खिलजी,
बलबन, ग्यासुद्दीन बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश। सभी साथी जवाब देते रहिएगा फटाफट अंदाज में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करते रहिएगा, प्रश्नों के जवाब भी देते रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार का सपना पूरा करना है आप सभी को। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस सपने को साकार करने के लिए भी कदम दर कदम एक एक करके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी साथी हैं। चलिए, अच्छा लगा कि आप लोग प्रश्न में जुड़े हैं और प्रश्नों के जवाब देते, मैं भी शेयर कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि शेयर करने के साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ सेशन में बने रहें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम दिया है, अल्तुतमिश, एकदम सही जवाब है अल्तुतमिश। अच्छे सल्तनत काल अगर बात करें, गुलाम वंश का जो वास्तविक शासक है, शासक कौन माना जाता है, संस्थापक कौन माना जाता है? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना को सेनापति कौन था? प्रश्न पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया, दूसरा किनके बीच लड़ा गया और तीसरा किनके बीच लड़ा गया। लेकिन ये सवाल काफी अहम, काफी यूनिक है आपके लिए। कह रहा है कि पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा सेना का जो सेनापति कौन था? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ, शिव विश्वासराव, बाजीराव। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया है विश्वास राव। अगर आपका भी प्रश्न का जवाब सी आया है, इसका मतलब जवाब सही है विश्वास राय। अगला आपके सामने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी। प्रश्न नंबर 10 का जवाब सभी लोग को देना है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 का जवाब क्या होगा? सिकंदर लोदी। मेरा सवाल है आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। अगला है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? अब्दुल रशमद, मीर सैयद अली, मुकम्मल खां, मोहम्मद हुसैन। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जरी कलम की बात करें तो मोहम्मद हुसैन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल आपके सामने है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, कर, राजगत संपत्ति, भू राजस्व। प्रश्न नंबर 12 का जवाब सभी लोगों को देना है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यहां पर प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका डी पे लॉक होगा, भू राजस्व। तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। जी हां, आगरा नगर का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अभिषेक जी आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल है। यह सब इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा एक तरफ से, अगर आपने इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ा होगा। जैन के दो प्रमुख धर्म थे जो प्रसिद्ध थे, दिगंबर और श्वेतंबर। श्वेतंबर दिगंबर कब बटे थे कमेंट करके बताइएगा। दिगंबर और श्वेतंबर की क्या क्या विशेषताएं थी? जी हाँ, सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है। अगला है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। 14 का जवाब सभी साथी देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। काफी यूनिक सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जी हां, एकदम सही आपने बताया है, लॉर्ड कार्नवालिस इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला आपके सामने कौन सा क्रम में है? तो एकदम मतलब क्रम में है, कौन सा सही है इसका जवाब आप लोग को देना है। एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा, तो वीजी तिलक केसरी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? मतलब उम्मीद करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सब इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। लॉर्ड मैकाले इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हर
दयाल, सोहन सिंह, भाकना। तो प्रश्न नंबर 17 जवाब सभी लोग दीजिएगा। लाड़ में काले सभी जवाब सही था, विनायक दामोदर सावरकर। बी वाले जवाब सही, थोड़ा सा आप लोग फास्ट जवाब दीजिएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वरिंद्र घोष, वीडी सावरकर, नरेंद्र गोसाई, पी मित्रा। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएंगे, जो भी नए लोग आ रहे हैं टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा सभी साथी। प्रश्न नंबर 19 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ए, आगा खां। गांधी जी के राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया गया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। एकदम इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी आपके पेपर का फेवरेट टॉपिक है, जहां से हर साल सवाल पूछा जाता है और इस साल भी यहां पे सवाल आ रहे हैं और आएंगे भी आगे, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। नैतिकता है, धर्म है, मानवता है, सत्ता नहीं है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे दिए। कई बार क्या होता है, प्रश्नों को हम नहीं भी पढ़े रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके हम प्रश्नों का जवाब दे लेते हैं। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, एम एन राय। सी, कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सभी लोग जवाब देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अली जौहर। जवाहरलाल नेहरू जी थे, बलदेव सिंह थे, अली जौहर जी थे, लेकिन यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे, इसलिए सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल की इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम भारत के आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं और आजादी से एक साल पहले का सवाल है और ये पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर अरविंद प्रसाद, जे बी कृपलानी। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने लोग इस सेशन में लाइव बने हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर डी है, जे बी कृपलानी। यहां पे देखिए नोट्स बनेगा, कोई भी जानकारी चाहिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जाकर ले सकते हैं। यहां पर एक नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, यह नंबर आपके हमेशा काम आएगा, आप इसे लिख सकते हैं। और ये सभी क्लास आपके ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस जनपद जौनपुर चलती, मेरी निःशुल्क क्लास है। पीसीएस के, केवीएस के, लेखपाल के, यूपी ट्रिपल एससी के, सुपर टेट के, पुलिस के, बीईओ के नोट्स, आरओएआरओ के नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिलते रहेंगे। अगला है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? बिपिन चंद्र, आर को प्लैंड, आर सी मजुमदार, पी रावर्स। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका बी। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत के चार बड़े राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो याद रखिएगा चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां पर दो जगह मध्य प्रदेश दिया चौथे पर, यह तो गलत हो गया। यहां पर मध्य प्रदेश पहला दिया, यह भी गलत हो गया। तो यहां पर अपने आप इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया ए। मतलब अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र पहले पे गलत है, मध्य प्रदेश पहले पे, तो राजस्थान ही पहले पे प्रथम है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर आप बिना समय गंवाए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से दे लेते हैं। हम इसी प्रश्न के साथ और आगे बढ़ते हैं और नए सवाल की तरफ। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो विकसित 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ए। अभी तक इतिहास के सवाल हम लोगों ने पढ़े थे, अब हम लोग भूगोल की तरफ बढ़े हैं। मैंने कहा ना कि ये जीएस जीके की वो सीरीज है जो परीक्षा के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस के आधार पर है, और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो बताइए हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? श्रीलंका, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, सभी लोग बताइएगा। तो हिंद महासागर तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य भारत है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम क्या? अगर देखा जाए कि सबसे ऐसी कौन सी चट्टान भारत की जिसमें सबसे ज्यादा खनिज संसाधन हो, तो इस प्रश्न का उत्तर विंध्यन, धारवाड़, डक्कन ट्रैप, बुंदेलखंड की नाई से यहां पर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानी, अर्थात सवाल का सही उत्तर होगा भी। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है, तब बताइए निम्नलिखित में से
कौन सी सिंधु नदी की सहायक नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसे हम श्योक नदी कहते हैं। श्योक नदी है, झेलम नदी है, चिनाब है, कोसी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। नदी भी आपके सिलेबस में है और ये सब ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको एक जगह आराम से मिल जाएगा। अगला है आपके सामने जो सवाल दिख रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु में अगर वायुमंडल में देखा जाए सर्वाधिक जो आर्द्रता होती है विद्यमान होती है कब? प्रातःकाल, सायंकाल, मध्यान्ह के समय, मध्यरात्रि। तो मध्यान्ह समय भी नहीं होगा और संध्याकाल नहीं होगा। आर्द्रता की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, तो दो विकल्प आते हैं, प्रातःकाल या मध्यरात्रि। तब बताइए कि वर्षा ऋतु में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ठंडी आपको कब लगती है? अच्छा, वर्षा ऋतु वायुमंडल जो आर्द्रता सबसे ज्यादा विद्यमान होती है तो वहां पर प्रातःकाल। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है मानसून वर्षा, लगातार सिंचाई, ऊसर भूमि का सुधार, वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जरूर मृदा का जमाव। तो सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। गंगा मैदान में मृदा की उर्वरता जो बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़, नवीन जरूर का मृदा का जमाव। तो डी अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। इंदिरा गांधी जो नहर है कहां से निकलती है? भाकड़ाबाद से, हरिकेबाद से, पोंगबाद से, उकाईबाद से। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। देखिए आप नीचे टाइम भी आपका चल रहा होगा, आपको समय को भी ध्यान में रखकर ऐसे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो हरिकेबाद से बी। अगला है, शायद आपके सामने प्रश्न बैंक खुला हुआ है और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न बैंक में आपको कुछ दिखाई भी दे रहा होगा कि सूची को मिलान करना है, कूट का प्रयोग करना है, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। तो प्रश्न नंबर 33 के सभी लोग को जवाब देना है जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए बाढ़ की बात करें तो ये बिहार का शोक तो जानते हैं आप, सुना ही होगा, तो बाढ़ का संबंध अभी बिहार पे हो गया। भूकंप जो है हिमालय के गिरिपत क्षेत्रों में है। अगर हम चक्रवात की बात करें तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। सूखा की बात करें तो मध्य और जो पूर्वी भाग है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इस प्रश्न का विकल्प ए का तीन, ये हो गया आपका ए। ठीक है, हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ जो आपके साथ है। शहरिया और पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? मोस्ट एमपी सवाल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना और आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है। नोएडा, लखनऊ, हरदोई, सोनभद्र। तो आपका जवाब पूरी तरह सही है, सी, सोनभद्र। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी साथी जवाब देंगे वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज, वनस्पति तेल, होजरी। तो मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां तक आप कमेंट कर बताइए कितने लोग के जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। खगोली दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्से, प्रकाश वर्ष, खगोली एकक, वर्ग में। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप किसने दिया? स्टीफन हॉकिंग, कॉपरनिकस, एडविन हब्बल, रॉबर्ट वैगनर। तो यहां पर ऊपर होगा पार्सेक ए। और अगर प्रश्न नंबर 37 की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? रॉबर्ट वैगनर। वैसे स्टीफन हॉकिंग जो थे यह भी बिग बैंग थ्योरी की प्रतिपादन विस्तृत रूप प्रस्तुत किया था। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब लगभग सही दिया है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकसित होती है प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत के रूप में, फोटॉन बंडलों के रूप में। यहां पे क्या होगा? फोटॉन बंडलों के रूप में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष का जो मॉड्यूल था वह अटला था, ओरियन था, फाल्कन था, ईगल था। चंद्रमा पतने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल ईगल था। इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको नहीं मिलता किताबों में। कौन सा एक स्थल रोध देश है? सभी लोग जवाब देंगे बोलिविया, पेरू, सुरीनाम, उरुग्वे। अगर आप मानचित्र पढ़े होंगे तब इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे ए, बोलिविया। अंधी घाटियां पाई जाती हैं काष्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानिकित प्रदेश में, टुंडा प्रदेश में। यहां पर होगा काष्ट प्रदेश में अंधी घाटियां
पाई जाती है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल, गलत, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? वायु दबाव नहीं करता, भूचाल को हम यहां लिख सकते हैं भूकंप। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। ठीक है, वायु दबाव और हृदय की धड़कन मापता नहीं, भूचाल यहां पर भूकंप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी की दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अगला है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, उपरोक्त में कोई नहीं, तो शीत ऋतु में। सी। विकिरण संचालन संवहन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं किस मंडल में? आयन मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, परिवर्तन मंडल में। तो परिवर्तन मंडल को हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्षोभ मंडल। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो इस प्रश्न का उत्तर सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कह रहा है कि विश्व में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय मार्ग कौन सा है? भारत गंगा नदी मार्ग, भारत ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग, उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। सी एकदम सही जवाब है। जापान का मोटर उद्योग निम्न में से कहां सबसे अधिक विकसित है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। नगोया, केमैसी, हिरोशिमा, टोक्यो, याकोहामा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। वनों को काटने का क्या परिणाम है? अगर वन कट रहे हैं तो उससे क्या परिणाम निकल रहा है? सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस प्रश्न का जवाब पढ़ रहे हैं। वर्षा और नमी में वृद्धि, गलत, कमी हो रही है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, अनियंत्रित बाढ़ आ रहा है, यही आपका यहाँ पर सही होगा। जीवों की पाचकीय कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? एफिटिंग का, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, डेविस। तो सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, इस प्रश्न का होगा एफिटिंग। ये भूगोल के सवाल है, ये मानव भूगोल में आपने पढ़ा होगा। अगला है, यहाँ पे देखिए नोट संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के पैटर्न पर यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही मिलने वाले हैं, तो आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट रख ले। सभी लोग हमारे चलते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग। एक सवाल है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को, पाचकीय तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कहलाता है, इकोटोन। यहाँ पर इकोटोन ही संक्रमण सही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा कि सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता, निर्धनता को घटाना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया ना, तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? जवाब सभी लोग दीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक अपघटक होगा, अपघटक तो यहाँ पे होगा नहीं, पादप का अंतिम घटक भी नहीं होगा, खाद्य स्तूप की शीर्ष उपभोक्ता होगा। डी प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, यदि मोर जो है सांप को खा जाए तो शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएगा, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पाचकीय तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होते, उसे कहते हैं प्रभावी प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, सर्वदेशी प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। जैविक साम्यता स्थापित होती है, उत्पादकर यहां पर दे दिया, देखिए यहीं से गलत हो गया। उपभोक्ता व घटक के द्वारा, उत्पादक उपभोक्ता की, उत्पादक उपभोक्ता और घटक तीनों के द्वारा, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? डी होगा। यहां पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं, परभक्षी, द्वितीय उपभोक्ता। एक पोषण रीति वर्ग में गलत है, परभक्षी और द्वितीय उपभोक्ता माने ए और बी दोनों, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछ सकता है। पाचकीय तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? पाचकीय तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? 55 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। जल का होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है, अकार्बनिक पदार्थों का होता है, ऊर्जा का नहीं।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अपघटक किस पोषण स्तर पे जीव है? काफी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पे चौथे पे होगा, पोषण स्तर चार पर होगा। वैसे वहां पे मेरे हिसाब से यहां पर ये पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल पांच पर होता है, मानी पोषण स्तर पांच। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। यहां पर होगा आपका भूमध्य रेखा। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपका जवाब सही है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अस्तरी मेघों के जलवाष्प में, पछाव अस्तरी मेघों के हिमरवों में, पछाव मेघों के हिमरवों में, अस्तरी मेघों के धूल कणों में। यहां पर है पछाव अस्तरी मेघों के हिमरवों में, मतलब बीस प्रश्न का सही जवाब है। बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च है, किंतु आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यहां से देखिए इकोनॉमिक सवाल शुरू हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, इकोनॉमिक्स जो था वो आपका शुरू हो गया, तो सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आरबीआई की बात करें तो यहां पर जुलाई से जून। अब अर्थशास्त्र के सवाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला आपके सामने लिखित कथन में कौन सा सही नहीं है, तो सभी लोग बताइए फटाफट कौन सा सही नहीं है। भारत 1947 तक ब्रिटेन को प्रवेश था, सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, गलत। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल पूंजी करता था। अगर प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। केंद्रीय सहकारी जो बैंकों का क्षेत्र क्या है? जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जनपद स्तर। एक सवाल आपके सामने शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि लीड बैंकों का कार्य किया जाता है किसी भी बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। अगर प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा, मतलब डी। भारत में भविष्य निधि है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। स्वैच्छिक बचत है, संविदा आधारित बचत है, अवशेष बचत है, नियोक्ता की बचत है, तो संविदा आधारित बचत है। भूमि विकास बैंक भाग है। व्यापारिक बैंकों का, एफसीआई का, आईबीडीआई का, सहकारी साख रचना का, तो जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं वह जवाब जरूर देंगे सहकारी साख संरचना का, तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत में निम्नलिखित कौन सा एक क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, घरेलू क्षेत्र। राष्ट्रीय मापने का वर्तमान आधार वर्ष है 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15। तो यहां पर होगा सी, 11, 12। ये करंट का सवाल है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अगला है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 2006, 7, 8, 10। तय हो जाएगा 2020-21 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय नियोजन किया गया। देखिए सब करंट के सवाल है, सीए माने करंट। तो यहां पर क्या होगा, परिवहन के क्षेत्र में, यह करंट का है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिए करंट का सवाल है। ठीक है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दादा भाई नरो जी ने कितने रुपया किया था, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 70 का जवाब जरूर दीजिएगा, लगभग 3.5%। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जवाब सभी लोग दीजिए फटाफट कमेंट करके, उत्तर प्रदेश। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? राष्ट्रीय है, जीवन स्तर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, प्रति व्यक्ति है। प्रश्न का उत्तर हो गया इसका सी। अगला है,
कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी कमेंट कर बताइएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा सी, गवर्नर जनरल को। अगला है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम हलुआ, यहां से भारतीय संविधान शुरू हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। कौन सा विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देख रखा था। विधि का शासन है, एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, सत्तावादी सरकार हमारे यहां नहीं है। एकदम हलुआ सवाल है, और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से अगर प्रश्न को ही पढ़ लिया होता तो आप सभी लोग इस प्रश्न के जवाब आसानी से दे लेते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, सवाल जवाब दीजिए, कौन इसमें मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, संपत्ति का अधिकार नहीं आता, सुंदर का अधिकार आता, समता, समान आवास का अधिकार नहीं आता, माने बी और डी नहीं आता। भारत में वित्तीय आपादी घोषणा आज तक कितनी बार हुई, मतलब अनुच्छेद 360। प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग कितनी बार हुआ, कमेंट करें, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, एक बार, दो बार, चार बार, सभी लोग जवाब दें। कभी नहीं, आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। आगे बढ़ रहे अगले सवाल की तरफ, पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण है, 1/3 अर्थात 33%। बिहार में 50%। किन राज्यों में पंचायती राज संस्थान नहीं है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में नहीं है। वैसे जो प्रश्न है वो थोड़ा सा विवादित है, ठीक है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, इच्छा अनुसार। उच्चतम न्यायालय की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस वाद में गठित की गई, जवाब सभी के आने चाहिए। मिनर्वा मिल्स, बैंक जनवाद, TMY फाउंडेशन, तो इन दोनों में ही होगा आपका, तो गोलकनाथ। यहां पर प्रत्येक 5 वर्ष। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, हेलमेट से पढ़ते चलना, जरा कमेंट कर बताइए आप लोग। देखिए आप NCERT के सभी जो नोट्स है PDF, ये कच्चा अच्छा से लेके 12 तक e-learning with Durgesh के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में है, क्योंकि बिना NCERT का आपका नैया पार नहीं लगे, इसलिए NCERT अगर आप पढ़ना चाहते हैं आज ही प्ले स्टोर से e-learning with Durgesh ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से NCERT के सभी नोट्स आप पढ़ सकते हैं। अगला है, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है, PN भगवती, राजीव गांधी, APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कलाम जी का है, सी प्रश्न का सही जवाब है, चलित न्यायालय। अगला है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये कौन सी अनुसूची है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, एकदम हलुआ है, 7वीं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उम्मीद करते हैं यहां पर आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही होंगे। संविधानेतर अधिकार का मतलब यहां पर क्या होगा,
वह शक्ति जो संविधान की सीमा पर अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जो संविधान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका सी। ये काफी यूनिक सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सब लोग। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में डे, ठीक है। यूनो दिवस का मनाया जाता है, कमेंट कर बताइए। विश्व श्वास दिवस कब मनाया जाता है बताइए, या अप्रैल मनाया जाता है। मजदूरी दिवस बताइए कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिया। चालक वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फैराड बोल्ट एम्पियर ओम। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति इकाई है, समुद्री मिल और संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। 90 का जवाब सभी लोग दीजिएगा अश्वशक्ति। ठीक है, यहां पर आपको मिलान करना है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस प्रश्न का मिलान आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब त्वरण बल कृतकार आवेग। त्वरण जो है मीटर स्क्वायर, कृतकार मतलब जूल, बल की बात करें तो न्यूटन, आवेग है न्यूटन सेकंड। आपको इसको मिलान करना है, आपको जवाब देना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, हाँ एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है जितने भी लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा है। अगला है पारिस्थिति, जो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार, नाट, जूल, ओम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, बार। ठीक है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज केले, जिनेवो ग्रामे, तो मार्कोनी जी ने। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है, सभी लोग जवाब दीजिएगा पॉइज, पास्कल, पॉइजुली, पॉइज। इस सवाल का सही और राइट आंसर होगा, मतलब यहां पर देखा जाए तो सबका यहां पर ए ए ए है। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है पानी की अस्थाई कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सिल्वर और पोटेशियम का क्लोराइड। तो यहां हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स। इसलिए सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका, ये होगा। तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल आपके सामने वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, ब्रोमीन। हाँ आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक, अगला है आपके सामने मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है वाला पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब ए वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। समुद्र के पानी में कौन सी धातु, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरिलियम। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं। मैग्नीशियम इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी साथी देख रहे हैं वो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम लोगों ने फटाफट अंदाज में इतनी जल्दी 100 प्रश्न पढ़ लिया। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन तथा मीथेन, पारे की वाष्प तथा आर्गन, हीलियम तथा पारे की वाष्प, हीलियम तथा आर्गन। यहाँ पर होगा पारे की वाष्प तथा आर्गन, मतलब बी वाला जवाब यहाँ पर सही है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ जवाब दिया है तो इस प्रश्न का उत्तर याद जरूर रखें। ठीक है, हम चलते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। क्रियाशील धातु पोटेशियम। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक
का उपयोग किया जाता है। जस्ता, प्लेटिनम, निकेल, लौह। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, निकेल। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, निकेल बताया है, तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला आपके सामने, वह जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है क्या कहलाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, मतलब सी। निम्न ऊतक की कोशिकाओं में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभोज्य ऊतक, तो जटिल ऊतक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उसकी पत्ती से आधे का नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी छाल का नाश। तो जब उसका छाल की नाश करते हैं तो सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 2002, 2005, 1991, 1992। तो यहाँ पर 1992। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला आपके सामने, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इसे देखते चले, शेयर करते चले, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 3 राज्यों की सीमा, 2 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा। यहाँ पर होगी 4 राज्यों की सीमा, ये हमने पढ़ाया हुआ है। यूपी स्पेशल की सीरीज में अभी से जाकर पढ़ और देख सकते हैं। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? राजघाट बाद यमुना, रानी लक्ष्मी बाद बेतवा, माता टीला बाद बेतवा, रेहन बाद रेतवा, राजघाट बाद यमुना। यही आपका गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पर सही है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अपने सभी मित्रों को क्लास के टाइमिंग बारे बता दीजिए ताकि आपके सभी मित्र इस समय आके क्लास में जुड़ें और पढ़ सकें। नवाबगंज पक्षी विहार, मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? ग्रेटर नोएडा से नोएडा, गलत। आगरा से लखनऊ, आगरा ग्रेटर नोएडा। अगर हम प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? कबूतर, मोर, सारस, कोयल। तो सारस। आप लोगों ने अभी तक 111 प्रश्न पढ़ लिए, क्या आपको लग रहा है कि आपने 111 प्रश्न पढ़ लिए? बताइए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला के साक्षरता दर का अंतराल कितना था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। 16.30, 16.68, 21.2%, 18.18, तो 16.68 प्रश्न, मतलब 20 प्रश्न का सही जवाब है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं? जननांकी संक्रमण, जननांकी रूपांतरण, जननांकी गत्यात्मकता, जनसंख्या विस्फोट। इस प्रश्न का उत्तर होगा जनसंख्या विस्फोट, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? बी। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी को सवाल मन में है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप दीर्घ अवधि में घटित होने परिवर्तन को, नहीं, जननांकी संक्रमण होगा, परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन को जननांकी संक्रमण कहते हैं, ए है। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर ए बताया, देखिए कुछ लोगों ने बताया है, ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहां से, ठीक, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कह रहा है कि रेड फील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा के, अभिजात परंपरा के, बृहत परंपरा के, लघु परंपरा के। यहां पर होगा वृहत परंपरा के, मतलब सी। निम्नलिखित नगरों में किसने सबसे मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? चेन्नई, बंगलुरु, सूरत, दिल्ली। तो दिल्ली सही जवाब है आप लोग का। विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस कहां पर स्थित है? तो सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन के बीच,
टोक्यो योकोहाम नगोया के बीच? 20 प्रश्न का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? कानपुर में, प्रयागराज में, आगरा जनपद में, आजमगढ़ में। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कानपुर में इस प्रश्न का सही जवाब है। तो जितने लोगों ने जवाब दिया उनका जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है और उम्मीद करते हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा सभी लोग को। आप सभी लोग जिस वीडियो को देखेगा और जितने भी लोग डेली क्लास में बने हो टेलीग्राम पर, आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। अगर आप नोट संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा सही नहीं है? क्या आपने वीडियो को शेयर किया है? अगर हाँ तो थैंक यू, और अपने मित्रों तक पहुंचाएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखेगा। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सही बात है। इसका जनघनत्व 829 है, ये भी सही है। इसका लिंगानुपात 809 है, ये गलत है। इसकी कुल जनसंख्या का 15.4% भाग 0-6 वर्ष आयु वर्ग में आता, ये भी सही है। देख लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कठिन सवाल है, तो लेकिन देखिए ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर में सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस जिले में है? मेरे जिले से है, मेरा जिला जनपद जौनपुर है, तो जौनपुर में है 1024 महिलाओं पर। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने सभी मित्रों को बता दीजिएगा क्लास में एकदम टाइम से टाइम तक बने रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को शेयर करनी आपकी जिम्मेदारी है, और उम्मीद करता है वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करते चले चैनल को। ठीक है, बाय बाय। हाँ, फेसबुक वाले शेयर कर दें।